1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स, जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाइयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या। ये बयान बीजेपी सांसद मेनका गांधी द्वारा दिया गया है, जहां उन्होंने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मेनका ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। बता दें कि मेनका गांधी एक पशु अधिकार कार्यकर्ता भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। वीडियो वायरल होने के बाद इस्कॉन ने बीजेपी सांसद के बयान को बेबुनियाद और झूठा बताया है। इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठर गोविंदा दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। हमारे यहाँ गायों और बैलों की जीवन पर्यंत सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है, जैसा कि आरोप में कहा गया है। मेनका गांधी का ये बयान जो वायरल हो रहा है वो लगभग 1 महीने पहले दिए उनके एक इंटरव्यू का है। 18 अगस्त 2023 का ये इंटरव्यू डॉक्टर हर्षा आत्मकुमारी ने लिया था, जिन्होंने माँ का दूध नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री डेयरी फार्मिंग की क्रूरताओं पर आधारित है। इस इंटरव्यू में मेनका गांधी ने डेयरी फार्मिंग पर तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा था कि डेयरी फार्मिंग अपने आप में एक क्रूर व्यापार है, इसे तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और इसे बंद कर इसके बदले कुछ और करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता मेनका गांधी का ये बयान काफी शेयर किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि वो जो कह रही है उसकी जांच कराई जाए। अब देखने लायक ये होगा कि भाजपा की दिग्गज नेत्री मेनका गांधी का ये बयान सच्चाई की कसौटी पर खरा उतर पाता है या नहीं, या फिर ये एक ऐसी बयानबाजी बनकर रह जाती है जिसे सिर्फ लांछन की राजनीति कहते हैं। क्योंकि ये बयान राजनीति का कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और इमेज की बात का सवाल भी है, जिससे किसी के साथ भी कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं हो। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।